लास्ट वीडियो में हमने यहां तक पढ़ा था और इस वीडियो में हम यहां से स्टार्ट करेंगे। औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة। अगर कोई हरूफ आपकी समझ में नहीं आता है तो आप उसको हिज्जे करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी ये हरूफ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसकी हिज्जे करेंगे लाम जबर ला या मीम पेश युम बा जबर बा ज़ाल नून ज़बर ज़न नून ज़बर ना लयुम बज़न ना वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मुकदा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुसदा फी अमदिम मुमद्ददा। بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम यहां से पढ़ेंगे. अब यहां पर आप कुछ चीजों को समझ लीजिए. जैसे कि ऊपर यहां पर लिखा हुआ होता है पारे का नेम, जैसे कि ये है अम्मा का पारा और यहां पर नंबर लिखा हुआ है, ये 30वां पारा है. यहां पर ये पेज नंबर सफा नंबर होता है. यहां पर सूरत का नाम होता है, जैसे कि ये सूरत है अल आदियात, तो यहां पर इसका नाम है. और ये कुरान पाक की कौन सी सूरत है, नंबर यहां पर दिया गया है, ये 100वीं सूरत है 100. नीचे यहां पर ये जहां पर भी सूरत शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होता है, और साथ ही उस सूरत का नाम सूरतुल आदियात, और वो कहां नाजिल हुई थी, मतलब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में थे जब ये सूरत नाजिल हुई थी. तो जैसे कि ये सूरह आदियात है मक्कीया, यानी उस टाइम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे जब ये सूरत नाजिल हुई थी. और इस सूरत में कितनी आयतें और कितने रुकू है. आयत इसमें 11 है, रुकू 1 है. रुकू की पहचान ये होती है कि यहाँ पर आयन बना हुआ होता है, इससे आप समझ जाएंगे कि एक रुकू है. जिस तरीके से पारा कुरान पाक का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जुज होता है, इसी तरीके से रुकू एक सूरत का पार्ट होता है. एक पारे में 10 से 15 तक रुकू होते हैं. तो रुकू से आपको समझ आ जाता है कि आपने कब कितना कुरान पाक पढ़ा था. जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं हमने 2 रुकू पढ़े, हमने 3 रुकू पढ़े, तो वो रुकू यही होता है. जैसे कि यहाँ से ये रुकू स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये रुकू एंड हो गया, यहाँ से एक नया रुकू स्टार्ट हो रहा है और ये नया रुकू यहाँ पर एंड हो गया. तो इसी तरीके से जहाँ पर भी ये आयन बना हुआ होता है, ये निशानी होता है कि ये रुकू है. और ये कौन सा रुकू है, ये इस एन के अंदर लिखा हुआ होता है, जैसे कि ये 8वां रुकू है. तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, वीडियो आपके पास है ही, आप इसको बार बार पॉज करके रोक करके समझ सकते हैं कि कहाँ पर आपको क्या पढ़ना है. जितनी अच्छी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी.